ओके स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और उसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब इट टॉक्स अबाउट ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन, कितने नंबर में है साइड चेन, ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या उनका नेम है, नेचर क्या है, पोजिशन क्या है ब्रांचेस की, इन सब के बारे में बतलाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब let us discuss about the simpler one, primary prefix. Primary prefix आप लोगों को बताता है कि number of, it indicates principal chain is cyclic or not. लिखो, it indicates nature of principal chain, whether it is cyclic or not, अगर principal chain, parent chain आपके cyclic है तो primary prefix IUPAC name का हिस्सा होगा, अगर नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स आईयूपीएसी नेम में एब्सेंट रहेगा। लिखो, प्राइमरी प्रीफिक्स इज प्रेजेंट ओनली इन साइक्लिक कंपाउंड, प्रेजेंट ओनली इन साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर वन रिंग है, टू रिंग है, थ्री रिंग है तो प्राइमरी प्रीफिक्स आप लोग यूज करते हो वर्ड रूट से पहले। एक रिंग होगी तो आप साइक्लो यूज करते हो, दो रिंग होगी तो बाईसाइक्लो यूज करते हो, तीन रिंग होगी तो ट्राईसाइक्लो यूज करते हो, और इन जनरल बोले तो हम लोग बोलेंगे पॉलीसाइक्लो। पॉलीसाइक्लो प्रीफिक्स की फॉर्म में आप लोग पॉलीसाइक्लो वर्ड यूज कर सकते हो। अब देखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड तक मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड कई तरह के हो सकते हैं, इनफैक्ट दो रिंग आइसोलेटेड भी हो सकती हैं, जैसे दो साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग आइसोलेटेड है, साइक्लोहेक्साइन, ऐसे भी हो सकती हैं, दो रिंग फ्यूज भी हो सकती हैं, दो कार्बन जिसमें कॉमन हो, ऐसे फ्यूज रिंग भी हो सकती हैं, ये आइसोलेटेड रिंग्स भी हो सकती हैं। अब दो रिंग एक दूसरे से आइसोलेटेड तरीके से कनेक्टेड हो, फ्यूज तरीके से कनेक्टेड हो, अब एक कार्बन से भी दो रिंग आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। वन कार्बन एटम इज कॉमन बिटवीन टू रिंग्स, एक पांच मिनट दूसरी छह नंबर की, कार्बन एटम से कनेक्टेड होंगे वो कार्बन पक्का sp3 होगा, और इस तरह के कंपाउंड को स्पायरो कंपाउंड्स बोला जाता है, स्पायरो कंपाउंड्स बोला जाता है। तो स्पायरो कंपाउंड फ्यूज्ड वाला हो गया, और इस तरह की भी रिंग हो सकती है जिसमें दो से ज्यादा एटम आपके जैसे अगर मैं बात करूं इफ आई टॉक अबाउट दिस
तो इसमें दो रिंग है, इसी कंपाउंड को अगर मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊं तो आपके लिए इमेजिन करना थोड़ा आसान रहेगा। यहां से आप बिल्कुल जस्ट लाइक ए ओपन बुक, ये बुक है, एक साइड बुक की ओपन बुक ये है, दूसरी साइड ये है, और बुक के जस्ट ऊपर जो दोनों ये कॉर्नर है बुक के, उसके ऊपर के साइड भी ऐसे ही एक पेज लगा ले आप। तो यहां से अगर आप करोगे तो बुक के एक रिंग तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 मेंबर की, और दूसरी रिंग दिस इज कॉमन 1 2, ये आईपीसी नेमिंग नहीं कर रहा हूं मैं, आईपीसी नंबरिंग नहीं कर रहा हूं मैं, 1 2 अपने मन से लिखा हूं ऐसे बताने के लिए, 1 2 3 4, ये चार कार्बन एटम इस वाली रिंग में भी और पीछे के साइड जो रिंग है इसमें भी, दोनों में कॉमन है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसमें ये बीच वाला जो है इसको ब्रिज बोलते हैं, ये डिफरेंट ब्रिजेज ही है, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ये ब्रिज हेड, इन कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन बोला जाता है, और ये ब्रिजेस हो गए, दो दो मेंबर है सभी ब्रिज में, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गए जो कॉमन है दोनों रिंग्स में, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, दिस इज ए बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसको आप कई तरीके से लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। इसी कंपाउंड को अगर हम ऐसे लिखें तो भी इट वुड बी इजी फॉर यू। ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ठीक है। सेम यही कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बट 3D में इससे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है कि 3D में मॉलिक्यूल कैसा है, ब्रिज हेड कंपाउंड हाउ इट लुक्स लाइक इन 3D। देखो बच्चों, एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल दिस इज योर नोटबुक, किस तरह रहेगा ये बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये ब्रिज हेड दो कार्बन है। अब इसके इधर अगर मैं एक पेज और लगा दूं जस्ट हेयर, जस्ट सी दिस वे, तो ये एक रिंग हो गई इधर से इधर, ये रिंग यहां से आप बैठो स्लाइड करके आओ, ये एक रिंग हो गई इधर, दिस इज वन रिंग, एंड दूसरे साइड दिस इज सेकेंड रिंग। ये दोनों कार्बन है जो दोनों रिंग में कॉमन है, 6 मेंबर की एक रिंग ये है जिसको मैं पाम टच कर रहे हैं, और इधर ये दूसरी रिंग है 6 मेंबर की। इसी स्ट्रक्चर को 3D में ये ऐसे होता है, जो मैंने इमेजिन करवाया 3D में, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसे होता है। तो 3D में कैसे होता है वो लास्ट वाले स्ट्रक्चर से आप इजी से इमेजिन कर सकते हो। ये कार्बन sp3 कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन कभी sp2 हो भी नहीं सकता, ब्रिज हेड कार्बन। तो ये दो ब्रिज हेड कार्बन हो गए जहां पर मेरे थंब्स लगे हुए हैं, ब्रिज हेड कार्बन्स हो गए। अब ब्रिज हेड कार्बन्स के बीच में ये ब्रिजेज है, दो मेंबर का ब्रिज हो गया, ये भी एक दो मेंबर का ब्रिज हो गया, और ये भी एक दो मेंबर का, दो कार्बन एटम है, दीज टू कॉर्नर्स ब्रिज हो गया। ये तो मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश की, इमेजिन करवाने की कोशिश की, दिस इज व्हाट इज नीडेड। अब इसमें हम लोग बात करें तो ये ब्रिज हेड कार्बन हो गए, कार्बन नंबर दिस 1 and 4 आर ब्रिज हेड कार्बन एंड दीज आर ब्रिजेस, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो मैक्सिमम जो नेमिंग आएगी वो बाईसाइक्लो कंपाउंड तक रहेगी आपकी, दैट्स ऑल, और वो भी बहुत कम यूज होती है, पॉलीसाइक्लो कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो इसमें बाईसाइक्लो भी लगाते हैं, और इस तरह जब एक कार्बन कॉमन होगा दोनों रिंग में तो स्पायरो भी इसका प्रीफिक्स लगाते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स बाईसाइक्लो एंड स्पायरो दोनों लगता है, राइट, बाईसाइक्लो कंपाउंड में। इस तरह के कंपाउंड में
यहां पे दो कार्बन एटम कॉमन है, यहां पर दो के अलावा बाकी बीच में ब्रिज भी है इस तरह का, अलग अलग ब्रिज है। इसकी नेमिंग भी देखेंगे एंड वी विल सी दिस अगेन। तो ये हो गया वेरी वेरी सिंपल, हमने प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, बहुत छोटा सा डिस्कशन है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में स्पायरो एंड बाईसाइक्लो दोनों तरह की आप प्रीफिक्स यूज करोगे प्राइमरी प्रीफिक्स में। हम लोग बात करते हैं अब वर्ड रूट की। वर्ड रूट की अगर आप बात करो, वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिंसिपल चेन और पेरेंट चेन और मेन चेन, ये बताता है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन और मेन चेन, व्हाट एवर यू कॉल इट, तीनों नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन और मेन चेन। बाकी साइड चेन हो सकती है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, जैसे हमने देखी थी एक एग्जाम्पल में। मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर येट टू कम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अब आप लोग जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में, प्रिंसिपल चेन में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रिंसिपल चेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so on, so much, 20. वन के लिए क्या वर्ड रूट यूज करते हैं आप लोग? वन के लिए यहां पे मैं वर्ड रूट लिख देता हूं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे। तो इसके लिए यूज करते हो आप मिथ, दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रो, ब्रैकेट में लिख दो ए, जैसे तो ये ब्यूट हो गया वर्ड रेट। प्राइमरी प्रीफिक्स तो आएगा नहीं क्योंकि साइक्लिक तो है नहीं, प्रिंसिपल चेन। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा क्योंकि कोई साइड चेन है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली वर्ड रूट आएगी पहली चीज ब्यूट। लेकिन 1, 2, 3, 4 नंबरिंग, इसके अलावा और कोई नंबरिंग हो ही नहीं सकती इधर। तो 1 और 3 के ऊपर डाइन है, छोटा वाला नंबर, डबल बॉन्ड में छोटा नंबर, 3, 4 में 3 है, तो 3 बोलेंगे इसकी पोजीशन। 1, 2 में 1 छोटा है तो 1 इसकी पोजीशन बोलेंगे। ब्यूट 1, 3 डाइन, लेकिन यहाँ पे ब्यूटा लिखेंगे क्योंकि यहाँ डी वाउल से स्टार्ट नहीं हो रहा, ए लिखते हैं ब्यूटा, ब्यूटा 1, 3 डाइन हो गया। तो ये इसका हो गया प्राइमरी सफिक्स और ये हो गया वर्ड रूट में, दो ही चीज है इसमें। तो इस तरह डाइन डायन ये सब आने लग जाते हैं, इसलिए पेरेंथेसिस में मैंने ए लिखा। प्रोप या प्रोपा दोनों यूज होते रहेंगे इन दैट केस। ये ब्यूट, तो ए कब लगता है मैंने बताया, पेंट हेक्स, हेक्स या हेक्सा दोनों मिलेंगे आपको, हेप्ट ऑक्ट, नोनीन वाला धोन, डेकेन वाला, ये हो गया एंडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, इसको हम लोग बोलते हैं आइकोस। आइकोसेन मतलब हमने देखा था, आइकोसेन मतलब 20 फेसेस वाली, 20 ट्राइगोनल फेस होती है आइकोसेन में। B12 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज आइकोसा हेड्रन, B12 बोरोन 12 का आइकोसा हेड्रन स्ट्रक्चर होता है, इसमें 20 ट्राइगोनल फेसेस होती हैं, ट्राइगोनल फेसेस 20 होती हैं इसमें आइकोसा हेड्रन में, बोरोन B12। तो 20 के लिए इसी तरह, अब देखो 20 के बाद आपको 20 तक भी जरूरत नहीं पड़ने वाली कभी भी, जो मैंने पहले 12 लिखे हैं
12, 13, 14 से बियॉन्ड आपको कभी भी प्रिंसिपल चेन में एटम नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस में एक्सरसाइज कहीं से भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल फाइंड दिस। तो 20 यू विल नॉट एनकाउंटर विद। अब 21 नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, 22 होंगे, 23 होंगे लाइक दिस, फिर 30 होंगे, फिर 31 होंगे, लाइक दिस, फिर 40 होंगे, फिर इसी तरह चलता रहेगा, 50, 61, 69 से 70 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, फिर 100। कभी काम नहीं आने वाले, ऐसे लिख रहा हूं मैं, है ना। तो 20 के लिए आपने क्या लिखा, आइकोस, ठीक है, सिर्फ इतना भी आइकोस भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ई आप रहने दे बेसन। अब मैं यहां पर 21 के लिए इधर मैं हेने यूज कर रहा हूं, एच ई एन ई आइकोस। 22 के लिए जैसे डोडेकेन था वैसे ये डोकोस हो जाएगा। 23 देखो तो जैसे ट्राइडेकेन था, ट्राइडेक था वैसे ये ट्राइकोस हो जाएगा। यानी कि कोस इज समथिंग दैट इज कॉमन एवरीवेयर 20 वाली लाइन में, कोस, आइकोस, हेनिकोस लाइक दिस। 31, 30 हो गया आपका ट्राइकोंट। 40 के लिए हम यूज करेंगे टेट्राकोंट। 50 के लिए हम यूज करेंगे बोलो पेंटाकोंट। 60 के लिए हम यूज करेंगे खुद बता सकते हो हेक्साकोंट। बताओ 70 के लिए हेप्टाकोंट। 80 के लिए ऑक्टाकोंट। वही सब 100 के लिए हम सेंट या हेक्ट दोनों यूज करते हैं। सेंट आप यूज करेंगे। इधर 30 है तो ऐसे 31 क्या हो जाएगा, क्या यूज किया था हमने, तो ट्राइकोंट के साथ हम लोग यूज करेंगे हेने ट्राइकोंट, फिर डो ट्राइकोंट, सो ऑन सो एस चलता रहेगा। इसी तरह 1 आते ही हम लोग हेने यूज करते हैं या अन यूज करते हैं, जैसे अनडेक में था, डेकेन के बाद अनडेकेन, अन और हेने इज यूज्ड। जब इनके बाद 20 के बाद 121 आता है, 30 के बाद 131 आता है, सो ऑन। ओके, जो पहले पेज पे मैंने लिखा है दैट विल बी यूजफुल व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। तो ये नंबर ऑफ एटम्स बताता है कितना है वर्ड रूट इन प्रिंसिपल। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, सब आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। Let us proceed. हम लोग अब बात करते हैं वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किस चीज के बारे में बताता है आपको, प्रिंसिपल चेन पेरेंट चेन में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड, सैचुरेशन मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कार्बन कार्बन में एल्केन, सिग्मा बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, कुछ पाई बॉन्ड भी होंगे, या पाई बॉन्ड भी पक्का होना जरूरी है सिग्मा बॉन्ड। जैसे इथीन में सिर्फ पाई बॉन्ड या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड, और कोई सीसी का सिंगल बॉन्ड तो है ही नहीं। लेकिन प्रोपीन में तो है एक सिंगल बॉन्ड भी, एक डबल बॉन्ड भी है। तो एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड रहता है, तो हम प्राइमरी सफिक्स इन यूज करते हैं। जैसे ब्यूटाडाइन में डाइन यूज किया, वो तो रिपीटेशन बताता है उसका। देखो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स नेचर ऑफ
bonds, nature of carbon-carbon bonds in principal chain, parent chain or main chain. In principal chain, nature of carbon and carbon bonds in parent chain, principal chain or main chain. Okay. That is about saturation and unsaturation of main chain. Saturation or unsaturation of main chain. अगर सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करोगे? यहां पे नेचर ऑफ बॉन्ड्स लिख रहा हूं. तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करोगे आप? एक सी डबल बॉन्ड सी है, बाकी सिंगल बॉन्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. जैसे इथीन में नहीं है सी सिंगल बॉन्ड सी, लेकिन प्रोपीन ब्यूटीन इन सब में है. एक सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए. तो हम लोग इन यूज करते हैं, यहां पे प्राइमरी सफिक्स एन यूज करते हैं. दो सी डबल बॉन्ड सी होंगे जैसे ब्यूटाडाइन में था, तो हम डाई इन यूज करते हैं. तीन सी डबल बॉन्ड सी होंगे, बाकी सी सिंगल बॉन्ड सी तो साथ में हो ही सकते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे ट्राई इन. सिंपल. अगर एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो हम आई यूज करेंगे. प्रोनाउंस आई की तरह किया जाता है, वैसे स्पेलिंग में वाई है, वाई यानी. दो सी डबल बॉन्ड सी होंगे, बाकी सी सिंगल बॉन्ड सी तो हो ही सकते हैं, तो हम डाई वाइन यूज करेंगे. डाई डाइन डायन, एक थे डायन. ठीक है, एक कंपाउंड में सी सिंगल बॉन्ड सी होगा और एक सी डबल बॉन्ड सी होगा, तो इन रहेगा और आयन रहेगा. इसको आई वाउल की तरह कंसीडर करते हैं, यहां पे वाउल है, यहां पे भी आई प्रोनाउंस वाउल की तरह कर रहे हैं, तो इन इको गायब कर दो, इको डिलीट कर दो. इस तरह इससे पहले भी इसकी लोकेंट आएगा, इससे पहले भी इसका लोकेंट आएगा, बट इन आइन इस तरह रहेगा. ई डिलीट कर दोगे आप. सिंपल, इस तरह आप देख सकते हो, नॉट ए बिग डील. दो डबल बॉन्ड होंगे सी डबल बॉन्ड सी और दो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो डाई इन डाई आयन आ जाएगा आपका, लाइक दिस. तो नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड देयर पोजिशन, nature of carbon carbon bond and their position, dono nature and position of nature ko batata hai as well as position location of multiple bond. Multiple bond mein double bond and triple bond do honge, position bhi batata hai. Ab hum chalte hain sabse important part of IUPAC naming. And that is secondary suffix, the most important one. Now let us move to secondary suffix. Note it down, bachcho. Note it down. Sab note kar liya? Yes, sir. Sarika, note kar liya, beta? Sarika. All noted down? Yes, sir. Yes, sir. Now the important one, secondary suffix. क्या तो secondary prefix बहुत ज़्यादा discussion चाहता है, और क्या तो secondary suffix, इसके ऊपर लिख लो, very important. Secondary suffix is most important part of IUPAC name.
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ IUPAC नेम, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जो IUPAC ने बतलाई है. वी हैव टू एम्प्लॉय इट व्हाइल डूइंग द नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सेकेंडरी सफिक्स बताता है नंबर, नेचर, नंबर, नेचर एंड पोजिशन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑफ फंक्शनल ग्रुप. एग्जैक्टली बोलूं तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप. अब फंक्शनल ग्रुप में सीनियर जूनियर चलता है SS में, लेकिन SP में सेकेंडरी प्रीफिक्स में सीनियर जूनियर नहीं चलता था, पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम का फंडा तो होता है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम का फंडा तो होता है उधर. तो इट टॉक्स अबाउट नंबर, नेचर एंड पोजिशन ऑफ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर, नेचर एंड पोजिशन ऑफ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देखो बच्चों, लिखो. अब हो भी सकता है फंक्शनल ग्रुप नहीं भी, जैसे एल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है. अब फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोन वाला COH फंक्शनल ग्रुप हो, सल्फोनिक एसिड वाला हो, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं एक ही टाइप के, या पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन अलग अलग टाइप के हैं. जैसे एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, एसिड वाला भी प्रेजेंट हो, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम फिर कैसे डील करेंगे, हाउ वी कंसिडर विच फंक्शनल ग्रुप इज सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप फॉर आवर कंसिडरेशन. Which functional group? तो लिखो secondary suffix is for senior most functional group. Write down is for senior most functional group. And if compound, organic compound is having many functional groups. If organic compound has many functional groups, then one functional group is considered as senior most functional group. One functional group is considered as senior most functional group, and all senior most functional group bracket में लिखो SS, secondary suffix में एक ही functional group को तवज्जो दी जाएगी, and all other functional groups, and all other functional groups are treated as substituents bracket में लिखो secondary prefix. तो देखो IUPAC name के सबसे last में आपका number नहीं आ पाता तो आप सबसे first आ जाओगे. सबसे पहले SP लिखा जाता है, सबसे बाद में SS लिखा जाता है, लेकिन numbering और parent chain select करते time जो सबसे last वाला है उसकी value सब ज्यादा करनी है. और
सबसे पहले वाला है सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसकी वैल्यू सबसे बाद में करनी है। तो बच्चों ये सीनियरिटी ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ये आईयूपीएससी ने बताया है। तो क्या तो वो एकदम एसएस का हिस्सा रहेगा, एकदम हीरो रहेगा आईयूपीएससी नेमिंग की दुनिया में, या फिर एकदम जीरो रहेगा, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में उठाकर साइड चेन ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में उसको फेंक दिया जाएगा आईयूपीएससी नेम लिखते टाइम, ना कि फंक्शन दिखाते टाइम। वो तो डिपेंड करता है किस तरह किससे रिएक्शन करवा रहे हो, उसी तरह की केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप में ना दिखाई दूसरा दिखा दे, इट कैन बी। बट एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना था नेमिंग के लिए, वो जरूरी था, इसलिए आईयूपीएससी ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया, सीनियरिटी ऑर्डर सेट किया। अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो सीनियरिटी ऑर्डर में होंगे ही नहीं, जैसे एल्कोक्सी हो गया, हेलो हो गया, नाइट्रो, नाइट्राइटो, नाइट्रोसो, एजाइडो। क्यों? क्योंकि इनको सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में आने की इजाजत ही नहीं है, यानी कि ऐसे रूल है आईयूपीएससी नेमिंग के, ऐसे रूल बनाए हैं आईयूपीएससी ने, दैट्स ऑल। तो अब एक टेबल आपको याद करनी है, और वो टेबल अभी तक का आईयूपीएससी नेमिंग, इनफैक्ट पूरे चैप्टर आईयूपीएससी नेमिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल आप यू हैव टू रिवाइज इट टाइम एंड अगेन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटायर चैप्टर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखो सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, टेबल बनाएंगे सीनियरिटी ऑर्डर के हिसाब से, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, seniority order of different functional groups। order of different functional groups seniority order of different functional groups bacho, this is the most important part of IUPAC naming, most important part, very very important, and you have to emulate, you have to remember it। सबसे पहले अगर मैं फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं यहां पर, अगर वो सीनियर मोस्ट है उस पर्टिकुलर आउट ऑफ फंक्शनल ग्रुप में से, उससे कोई सीनियर होगा तो कंसिडर नहीं किया जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में, अगर वही सबसे सीनियर मोस्ट है तो सेकेंडरी सफिक्स में वो रहेगा, और सेकेंडरी सफिक्स में वो नहीं रहा, उससे भी कोई सीनियर है तो उसकी जगह अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाती है, क्या तो एसएस में रहेगा, एसएस में उसका दर्जा नहीं मिला उसको, क्योंकि एसएस में तो एक कोई मिलने वाला है बस, सीनियर मोस्ट तो एक रहेगा, बाकी सब एसपी में रख दिए जाएंगे, आईएएस नहीं बने तो आईपीएस मिल जाएगा, और आईपीएस मतलब एसपी डिपेंडिंग ऑन योर रैंक इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। बट ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी चॉइस आईपीएस होती है, इवन उससे भी पीछे रैंक पे मिलने वाला आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सभी अपने आप में अच्छे हैं, डिपेंड करता है आप किसके लिए सुटेबल है, आपकी पर्सनैलिटी किसको ज्यादा सूट करती है, काम तो हर अच्छा होता है। सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में इसका नेम देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में उस फंक्शन ग्रुप का नाम देखेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर COH है तो वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे नंबर वन पे है, जब इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करेंगे सफिक्स की फॉर्म में तो दो वर्ड लगेंगे इसमें, एसिड अलग वर्ड रहेगा, बाकी नाम के साथ ओइक आएगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, लाइक दिस ओइक एसिड। लेकिन COH हरदम टर्मिनल पे होगा, एकदम लास्ट में होगा, तो COH के लिए जब ये कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा होगा तो ओइक एसिड बोलेंगे, जब कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं होगा तो हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार वाले कब यूज कर रहा हूं, जब कार्बन इज नॉट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन,
तो कार्ब यहाँ लगाना पड़ेगा, अगर जब कार्बन उधर नहीं है तो प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हुआ, तो अलग से लिखो कार्ब कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में रखना पड़ा तो इसका हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में इसका नाम बोलेंगे कार्बोक्सी। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। सेकेंड नंबर पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है, लिख लें सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग, दिस टेबल यू मस्ट रिमेंबर। अगर उसको सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में बोला गया तो क्या तो COH का कार्बन इस COH फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा है तो ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स होगा इसके लिए, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जब कार्बन को तो बताना है तो कार्ब लगाएंगे इधर कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंड प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर सीनियरिटी ऑर्डर में सेकेंड नंबर पे भी एसिड है, एंड दैट इज सल्फोनिक एसिड, सब लोग जानते हैं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूँ, यू पीपल नो इट। अगर वो सीनियर मोस्ट है तो सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में उसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी नेम के हिस्से में, एक पार्ट में। और अगर वो सीनियर मोस्ट नहीं है तो फिर वो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में क्या नाम रखेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में क्या नाम होगा? तो इसका नाम होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, अभी अभी बोला मैंने, सल्फोनिक एसिड। और वैसे इसको बोलते हैं सल्फो, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फो। फंक्शनल ग्रुप को सल्फोनिक एसिड बोला था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड नंबर पे अब एसिड के चार डेरिवेटिव आएंगे। एसिड का एनहाइड्राइड और एसिड का एस्टर, फ्री वैलेंसी है इधर, मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट बता रहा हूं, दैट्स ऑल। तो देखो बच्चों, जब ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में रहेगा तो जहां एसिड वर्ड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एनहाइड्राइड, जहां एसिड वर्ड है वहां पर अनहाइड्राइड लगा दो, तो ओइक एसिड की जगह पर दो एसिड के मॉलिक्यूल से पानी निकल जाता है तो एसिड का अनहाइड्राइड बन जाता है। इस चीज का जरा ध्यान रखें, तो अनहाइड्राइड बन जाता है। तो बस इसका नाम बिल्कुल एसिड की तरह ही है, बट एसिड वर्ड की जगह पर अनहाइड्राइड वर्ड लग जाएगा, लास्ट में एक अलग ही वर्ड होगा अनहाइड्राइड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम में ओइक अनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में एसिड लगता है, उस एसिड की जगह क्या लग जाएगा, एसिड की जगह पर लग जाएगा एनहाइड्राइड, एसिड की जगह पर आपका लग जाएगा अनहाइड्राइड। तो ओइक एनहाइड्राइड, या फिर हम लोग बोलेंगे, बताओ, स्टार वाला कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में दिखाई नहीं देगा तो नो आईयूपीएसी नेम एज सब्स्टिट्यूएंट, नो आईयूपीएसी नेम एज सब्स्टिट्यूएंट। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में फोर्थ पोजीशन पे आपका है एस्टर। एस्टर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओएट, एस्टर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओएट। अब एस्टर के रूप में तो वर्ड हो गया ओएट, लेकिन जब ये ब्रांच की फॉर्म में यूज होगा, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में यूज होगा, तो इसके दो नाम रहेंगे ओएट। देखो ये प्रिंसिपल चेन है आपकी, अब हो सकता है इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन, इसमें मान लो ये ग्रुप इस फ्री वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, ये वाला इस सी डबल बॉन्ड ओम में इधर इधर दोनों वैलेंसी, मान लो इस फ्री वैलेंसी से कार्बन से जुड़ा हुआ है, या फिर
कार्बन वाली फ्री वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, दो है इसके पास, दो तरीके हैं प्रिंसिपल चेन से जुड़ने के, दोनों साइड एक वैलेंसी फ्री है तो किसी भी वैलेंसी से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे, ये तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया CO, इसको CO को कार्बोनिल बोला जाता है और OR को तो एल्कोक्सी बोला जाता है, मिथोसी ऑक्सी एल्कोक्सी, और RC डबल बॉन्डो को ऑर्गेनिक बोला जाता है एल्केनोइल। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं इसको आपको नाम लिखना है, तो ये एल्केनोइल हो गया, ये ऑक्सी हो गया, तो यहां पर इसका नाम क्या लिखेंगे, एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी, और यहां पर ये एल्कोक्सी हो गया, ये कार्बोनिल हो गया, तो यहां पर पूरा इसका नाम क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसके दो नाम रहेंगे, डिपेंड करता है ऑक्सीजन के साइड से प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है, कार्बन के साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये इसके दो नाम रहेंगे, एक हो गया एल्केनोइल ऑक्सी, दूसरा इसका नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो एस्टर का साइड चेन में सेकेंडरी प्रीफिक्स में एल्केनोइल ऑक्सी नाम भी हो सकता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल नाम भी हो सकता है। ये नाम किस तरह हुआ, ये नाम हुआ, ये ऑक्सीजन प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है तो एल्केनोइल ऑक्सी, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो, और कार्बोनिल जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल चेन से तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल जुड़ा हुआ है तो कार्बोनिल, और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। याद हो गया होगा आपको, दो स्टाइल्स है ये आपको स्ट्रक्चर में मिल सकता है प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ, जैसा कि मैंने बताया। अब एसिड के चार डेरिवेटिव होते हैं, ये हो गया एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड, ये हो गया एस्टर, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब फोर्थ के बाद प्रायोरिटी ऑर्डर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये प्रायोरिटी ऑर्डर किसका कहां पर है आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पे आएगा एसिड हैलाइड, यहाँ पे Cl और Br आपको मेनली मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक पूरी पढ़ते टाइम। एसिड हैलाइड के बाद रहेगा आपका अमाइड, एसिड हैलाइड के बाद रहेगा आपका अमाइड, इसका सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर ये सीनियर मोस्ट हुआ तो इसको हम बोलेंगे ऑयल, और दूसरा वर्ड रहेगा आपका हैलाइड, ऑयल हैलाइड। या फिर बच्चों जब ये कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं होगा तो कार्बन लगाना पड़ेगा अलग से, ये हो गया कार्बोनिल, सी डबल बॉन्डों को कार्बोनिल बोलते हैं, और ये हैलाइड है आपका, तो कार्बोनिल हैलाइड, ऑयल हैलाइड की बजाय इसका नाम होगा कार्बोनिल हैलाइड। जब कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं होगा तब हम बोलेंगे कार्बोनिल हैलाइड। और ये हो गया हैलोजन, ये हो गया कार्बोनिल, तो जब ये प्रिंसिपल चेन से ऐसे जुड़ा हुआ होगा तो ये बोलेंगे, ये हो गया हैलोजन हेलो, ये हो गया कार्बोनिल, तो इसको हम बोलेंगे हेलो कार्बोनिल, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में बोलेंगे हेलो कार्बोनिल। या बताओ मुझे एल्डिहाइड को साइड चेन के फॉर्म में क्या बोलते हैं, एल्डो भी बोलते हैं, फॉर्माइल भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो इस फॉर्माइल में हाइड्रोजन अटैक कर मैं Cl लगा दूं तो इसका नाम अगर फॉर्माइल है तो इसका नाम हेलो फॉर्माइल हो गया ना, हेलोजन और आ गया, तो हेलो कार्बोनिल बोलो या फिर हेलो फॉर्माइल बोलो, बोथ आर द सेकेंडरी प्रीफिक्स एज सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑफ COX। हेलो में जनरली क्लोरीन मिलेगा तो ये क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोफॉर्माइल हो गया, ब्रोमो मिलेगा तो ब्रोमो कार्बोनिल और ब्रोमो फॉर्माइल हो गया। हेलो का मतलब क्लोरो ब्रोमो दो ही मिल लिया आपको, 99% मिलने वाले हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में लास्ट डेरिवेटिव है, तो पहले
छह पोजीशन में पांच तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव ही आ गए। लास्ट एसिड का डेरिवेटिव है वो है अमाइड। लास्ट एसिड का डेरिवेटिव है वो है अमाइड। तो इसका सफिक्स हम लोग लगाते हैं अमाइड, या फिर जब इसका वाला कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं होगा तो हम कार्बन को अलग से बताएंगे और हम लोग बोलेंगे कार्बोक्स अमाइड, कार्बोक्सी में वाई हटा दो, कार्बोक्स अमाइड, कार्बोक्स अमाइड, कार्बोक्स अमाइड। और इसका बड़ा स्पेशल सा सेकेंडरी प्रीफिक्स है कार्बामोइल, कार्बामोइल बड़ा स्पेशल सा है, ध्यान रखें कार्बामोइल। ये सिक्स्थ पोजीशन पे हो गया आपका सीनियरिटी ऑर्डर में। तो पहले तो दोनों एसिड हो गए कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद एसिड का अनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड एंड लास्ट में अमाइड। ये सब डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक उसके डेरिवेटिव। टॉप सिक्स में से टॉप फाइव तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव ही आ गए। इन सबके खास बिल्कुल खास नाम है, वो नाम हम लोग यूज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कार्बामोइल, तो एस्टर के दो नाम है एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड कार्बोनिल एल्केनोइल ऑक्सी। सीओएक्स के एसिड हैलाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है तो दो नाम है हेलो कार्बोनिल और हेलो फॉर्माइल, और अमाइड का है कार्बोक्समाइड या फिर अमाइड सेकेंडरी सफिक्स के रूप में और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कार्बामोइल। क्या बोलेंगे? कार्बामोइल। दीज आर स्पेशल नेम्स, ये हर नाम आपको याद होना चाहिए। एसएस की फॉर्म में फंक्शन ग्रुप का क्या नाम है, एसपी के फॉर्म में क्या नाम है। अब मैं सेवन और एट इस तरह आप ग्रुप में ध्यान रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपको याद करना, उसे सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब हो जाएगा आपका, एक तो साइनाइड बोलते हैं, दूसरा आप आइसोसाइनाइड बोलते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। लेकिन आईयूपीएसी नेम में इनका सेकेंडरी सफिक्स होता है साइनाइड का नाइट्राइड और इसका आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। मैं जब इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं होगा तो इसका नाम भी नाइट्राइल के बजाय कार्बन नाइट्राइल हो गया, कार्ब आ जाता है, कार्ब कार्बन नाइट्राइल। इधर भी कार्ब आ गया, इधर भी कार्ब आ गया, क्योंकि कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं है तो कार्बन को कार्ब करके अलग से लिखना पड़ेगा। वैसे हम इसको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में साइनो बोलेंगे, इसको साइनाइड को साइनो और आइसोसाइनाइड को हम लोग बोलेंगे आइसोसाइनो। ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, वैसे नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में अलग नाम है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में अलग नाम है। एट डन, बस सीनियरिटी ऑर्डर लगभग खत्म हो गया आपका। नाइन टेन, नाइन में आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फिर कीटोन है। सर एक बार प्रीवियस पेज ऑन करना। ओके फाइन, अब एल्डिहाइड कीटोन बचा, पहले साइनाइड आइसोसाइनाइड है, फिर एल्डिहाइड कीटोन है, उसके बाद एल्कोहल एंड थायो एल्कोहल है, फिर आपके अमीन्स वगैरह है सब। ओके सर, चलो एल्डिहाइड कीटोन आप ही बता दें मुझे। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड में सेकेंडरी सफिक्स क्या रहता है? एल्डिहाइड जब फंक्शनल ग्रुप होगा किसी कंपाउंड में, सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या है? सेकेंडरी सफिक्स क्या तो एल होता है, या फिर कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं हो तो कार्ब एल्डिहाइड होता है, क्योंकि कार्बन अलग से मेंशन करना पड़ता है। तो क्या तो AL यूज करेंगे या कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे, बोथ आर देयर।
अब इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में क्या तो अल्डो बोलेंगे या फिर इसी को ही फॉर्माइल भी बोल देते हैं। एक बड़ा गजब का कंफ्यूजन होगा आपको ऑक्सो। और कीटोन के लिए हम ऑन यूज करते हैं, ऑन स्पेलिंग वन वाली है, 1 2 3 वाला वन, वैसे ऑन बोलते हैं आईपीसी नेम लेते टाइम कीटोन। सुनो, इसका जो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में तो कीटो या ऑक्सो यूज करते हैं। अब ऑक्सो इधर भी देखोगे इधर भी देखोगे ना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ऑक्सो यूज करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ऑक्सो कब यूज करेंगे फॉर्माइल। देखो प्रिंसिपल चेन से इस तरह सी एच ओ हो तो पूरा सी एच ओ अगर सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में हो प्रिंसिपल चेन में तो हम लोग इसके लिए क्या तो एल्डो यूज करेंगे या फिर फॉर्माइल यूज करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल चेन में ही, ये प्रिंसिपल चेन में कहीं पे लास्ट में सी डबल बॉन्ड ओ एच हो तो ये पूरा प्रिंसिपल चेन का हिस्सा है और सिर्फ ऑक्सीजन बाहर बच गया है तो एल्डिहाइड ग्रुप ये, तो इस बार इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा ऑक्सो। इस बार इसका इसी तरह ये प्रिंसिपल चेन है, कीटोन आ गया डबल बॉन्ड हो तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सो या फिर कीटो। दोनों साइड इधर इधर चेंज आ रही है तो हम लोग बोलेंगे कीटो या ऑक्सो। ठीक है, तो ऑक्सो एल्डिहाइड के भी लगा सकते हैं, कीटोन के लिए भी। ऑक्सो कब लगाएंगे जब कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा हो गया तो एल्डो या फॉर्माइल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऑक्सो ही बोलेंगे। तो ऑक्सो इज कॉमन फॉर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। सिंपल। If carbon of CHO is part of principal chain, then oxo, otherwise aldo या formaldehyde. 9-10 aldehyde ketone हो गया. 11-12 alcohol and thioalcohol हो गया. Alcohol and thioalcohol हो गया. ये OL, ये thio, suffix OL यहाँ पे thio. वैसे क्या बोलेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है, सब लोग जानते हैं हाइड्रोक्सी। इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सी, इसका स्पेशल नाम है सभी लोग जानते हैं। हाइड्रोक्सी की बजाय क्या बोल देंगे थायो हाइड्रोक्सी, जैसे ओल की बजाय थायो हाइड्रोक्सी सेकेंडरी सफिक्स में। या इसका एक बड़ा कॉमन सा नाम है मरकेप्टो, या फिर इसको हम बोलेंगे सल्फेनाइल। सल्फो अलग चीज था, सल्फोनिक एसिड एस सब्स्टिट्यूएंट में सल्फो, लेकिन ये है एसिड तो इसको सल्फेनाइल, क्या बोलेंगे सल्फेनाइल। ये दोनों बड़े स्पेशल से नेम है, यू हैव टू कीप इन माइंड। तो तीनों में से कोई भी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो आप। एंड लास्ट लास्ट इज 13 इज, बताओ क्या नाम होता है सफिक्स, अमीन होता है अमीन। और वैसे क्या बोलेंगे अमीनो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसी तरह परादी अमीन, सेम वे अमीन की तरह हम लोग बोलते हैं C डबल बॉन्ड NH इस तरह हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, तो इसको हम बोलते हैं इमीन और इसको हम बोलते हैं इमीनो, अमीन इमीनो। अमीन अमीनो इमीन इमीनो। And that's all. This is the complete sequence for IUPAC seniority order. ये पूरी table आपको याद होनी चाहिए बहुत बार, this table you must revise at least 10 times more than पूरा seniority order
सबसे पहला नंबर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव की, पर उसमें सल्फोनिक एसिड भी आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियरिटी ऑर्डर में वो नहीं होगा, तो सल्फोनिक एसिड को सीनियर मोस्ट सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। फिर एसिड का अनहाइड्राइड, फिर हम बोलेंगे एस्टर, फिर उसके बाद एसिड के बचे हुए और डेरिवेटिव एसिड हैलाइड एंड एसिड अमाइड, उसके बाद सी एन और एन सी साइनाइड, उसके बाद एल डी हाइड कीटोन, उसके बाद एल्कोहल थायो एल्कोहल, उसके बाद अमीन एंड इमीन, ये लास्ट में हो जाएंगे। एल्कोहल थायो एल्कोहल अमीन इमीन एकदम लास्ट में, उसके एल डी हाइड कीटोन साइनाइड एस साइनाइड। तो आप देखें तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लास्ट में आ रहे हैं, अमाइड फिर साइनाइड आइसोसाइनाइड इधर आ रहे हैं, अमाइड के बाद अमाइड देन साइनाइड आइसोसाइनाइड। This is very very important order. ये तीनों के तीनों nitrogen containing compound है अगर आप देखें तो। इन सब के secondary prefix, secondary suffix के रूप में क्या-क्या IUPAC name में ये लिखे जाएंगे, that you must remember. Remember this table, इसको हम लोग continuously use करते रहेंगे। अब हमें बस practice करनी है IUPAC naming का basic. Building blocks are already ready at our disposal. We need to use it. Last table, आप कम से कम 10 बार जरूर revise करें। मैं आपको पूछूंगा seniority कौन ज्यादा senior है, acid halide या फिर sulfonic acid? आप बोलोगे sulfonic acid, तो वो होगा acid halide हो जाएगा आपका, halocarbon haloformyl नाम से secondary prefix में चला जाएगा। मैं बोलूंगा CN भी है और COH भी है, तो COS senior most होगा secondary suffix, और CN और aldehyde बाकी कुछ भी होंगे, तो कोई भी दूसरा function group आपका substituent की form में चला जाएगा, और substituent की form में उनका नाम अलग लिखते हैं, और senior most जब होगा तो उनका नाम अलग होता है, दोनों के रूप में इन सब function group का नाम different different होता है। Okay बच्चों, let us stop here. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, जय भारत।